आज इंडिया ने यूएसए को हराया और सुपर एट के अंदर इंडिया जो है अपनी जगह बना चुका है। इंडिया की बेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंसेस में क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख है, इंडिया जीता। क्यों? इंडिया हार जाता, यूएसए आगे चला जाता, पाकिस्तानी टीम ईद से पहले घर आ जाती बच्चों के साथ। दुख इस बात का है, अगर आगे चली भी जाए तो हमें फिर भी डूब मरने के लिए मकाम है, क्योंकि हम इंडिया वाले कह रहे हैं कि आपने डॉलर लिए हैं। वो कहना चाहेंगे कि यार छोटा भाई लग रहा हूं मैं यार। नहीं नहीं, आप एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं मैच को, कैसे देखते हैं इंडिया से हारने के बाद? आज जब कनाडा से पाकिस्तान जीता है कितनी खुशी हो रही है? कुफर टूटा खुदा खुदा करके यकीन जाने, बड़े सुकून मिला दिल को, लेकिन ये सुकून कुछ लम्हों के लिए है। जो हमारी टीम है यार, देखिए हमारी टीम में दो प्लेयरों की वजह से ना, सॉरी टू से अगर रियल एनालिटिक्स से ना, तो दो टीमों की वजह, दो प्लेयरों की वजह से हमने पूरी टीम पर बात कर दी है। कौन से? आपका बाबर, आपका प्लास्टिक किंग और आपका छनकने वाला एक्टर रिजवान सिद्दीकी। इंडिया की वाम कितनी है? 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट। तो वो भी तो प्रेशर डालते हैं कि भाई पाकिस्तान, या मीडिया प्रेशर डालता होगा कि भाई पाकिस्तान से नहीं हारना, तो वो क्यों नहीं प्रेशर मिलता? उनके साथ अगर देखा जाए ना, तो उसमें अगर हमारी स्पोर्ट है, अगर 22 करोड़ की या 24 करोड़ की 26 करोड़ की स्पोर्ट है ना, तो उसमें से अगर मैं इंडिया की हाफ स्पोर्ट की बात कर दूं ना, तो 70 करोड़ बनती है। ये चीज है। मुझे ये बताइए कि कुछ लोग आज भी, जैसे मौलाना फजल रहमान ने, और बल्कि सॉरी शेख रशीद साहब की अगर बात करें, उन्होंने एक दफा पहले स्टेटमेंट दी थी जब पाकिस्तान इंडिया से जीता, उन्होंने बोला कि भाई आज इस्लाम जीत गया, हिंदू हार गए, या इस तरीके से। अभी कल वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान की टीम को हिजड़ों से भी, ट्रांसजेंडर मतलब उन्होंने, लेकिन हिजड़े बोला कि भाई हिजड़ों से भी खिला दोगे तो वो हार जाएंगे। हाँ दोस्तों, नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप की। दोस्तों जब से यूएस को इंडिया ने हराया, पाकिस्तानी बहुत खुश है, खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया अगर यूएस को नहीं हराता तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। यूएस को हराने के बाद पाक को फिर एक मौका मिल गया है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। को हरा के अपनी जो है ना हैट्रिक जो है T20 के अंदर बनाई रखी है, जो स्ट्रीक इंडिया लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन विन करेगा? जिस तरह परफॉर्मेंस है, मुझे उम्मीद है कि इंडिया जीत सकता है, लेकिन दुश्मन तो है हम इंडिया। सर जाने दे, मैं आप गेम से भी आप दुश्मनी ले आया है। नहीं नहीं, चले क्रिकेट क्रिकेट है, लेकिन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलूँ के, कोई अल्फाज ही नहीं है, कोई अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बोल लूँ? आपको लगता है कि इस परफॉर्मेंस में कुछ बोला जा सकता है? खामोशी बेहतर है, क्या करे, कोई अल्फाज नहीं मेरे पास, मैं कुछ नहीं बोल सकता, और इतनी बैड परफॉर्मेंस, यकीन माने मैं इस बंदे से 10,000 शर्त हार रहा हूँ। सच में 10,000 शर्त हार। क्या शर्त थी आपकी, जरा ऑडियंस को बताएं। मैंने पाकिस्तान पे लगाया था, इसने कहा इंडिया जीतेगा। क्या ने जो है यूएस को हरा के पाकिस्तान को एक चांस दिया, क्योंकि इंडिया तो सुपर एट के अंदर आ गया, जगह बना ली इसने, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान आयरलैंड को अगर हरा देता है तो हमारा चांस डेफिनेटली बनेगा। मैम चांस बनता या नहीं बनता, मैं क्रिकेट नहीं देख रहा। अरे ऐसे तो ना, क्रिकेट नहीं देख रहा, क्योंकि मैं बार बार सदमे नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, आपको इंडियन टीम के अंदर कौन सी टफ क्रिकेटर, कौन सा टफ लग रहा है इस टाइम, जो कि आपको लगता है कि दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं या जो टीमें खेल रही हैं T20 वर्ल्ड कप, उनको टफ टाइम देगा? कोहली इज बेस्ट। आप? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा। आज इंडिया ने यूएसए को हराया और सुपर एट के अंदर इंडिया जो है अपनी जगह बना चुका है। इंडिया की बेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंसेस में क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख है, इंडिया जीता। क्यों? इंडिया हार जाता, यूएसए आगे चला जाता, पाकिस्तानी टीम ईद से पहले घर आ जाती बच्चों के साथ। दुख इस बात का है, अगर आगे चली भी जाए तो हमें फिर भी डूब मरने के लिए मकाम है, क्योंकि हम इंडिया वाले कह रहे हैं कि आपने डॉलर लिए हैं। वो तो सबको पता है हमने डॉलर किसने लिए, हुक्मरान है, बदनाम कौन है, अवाम है। तो हम क्या करें, हम बहुत परेशान है। दुआ वो है कि पाकिस्तान हो गया, कह रहे इंडिया हार जाता ताकि पाकिस्तान ईद यहाँ मनाती। अवाम तो खुश हो रही है कि इंडिया जीता, अब पाकिस्तानी टीम को एक और चांस मिलेगा। हो सकता है कि वो आयरलैंड को हरा दे और हम T20 में चले जाएं। पाकिस्तान की टीम को 10 चांस भी मिल जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ 1,000 चांस दे दे, ये टीम नहीं आगे जा सकती। इतनी गंदी भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी को पैसे मिल रहे हैं वो अपना टाइम पास करता है। क्रिकेट जो बनी है आज तक, बहुत टकरे होते हैं,
न्यूजीलैंड कोई भी लीग हो उसमें खासकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच उसकी सबसे ब्लैक टिकट भी चलती है, सबसे सख्त मुकाबला भी होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान हार जाए समझो टूर्नामेंट खत्म, पूरी दुनिया यही कहती है कि इनका टाकरा बहुत सख्त होता है। जब इंडिया से हम हार गए तो बाकी सब से जीते हैं, कप ही क्यों ना ले आए। इंडिया वाले उधर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पाकिस्तानियों कैसे हो डॉलर ले लिए, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। इंडिया रोस्ट करता है फिर है इंडिया, उनको करना चाहिए। जब आप मुझे पैसे दे खरीदेंगे बाद में आपने कहना तो है कि यार तुम मुझसे बड़े हो रहे हो, तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो, मैं कैसे आपको आंखें दिखाऊं। आपने फिर तो कहना है मुझे कि आपने रिश्वत ली है पैसे। पाकिस्तान की जो टीम है ना, आज से 2015 में ना पाकिस्तान की टीम अच्छी थी, लेकिन 2015 से लेके अब तक पाकिस्तान की जो टीम है, पहले जो प्लेयर थे पाकिस्तान के वो तो बाइक में आते थे मैच खेलने के लिए, अब जो उनके प्लेयर हैं वो 3-3 करोड़ की गाड़ी है उसमें आते हैं। सारे छोड़े, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हारा, अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आया। आगे कोई बात नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है। आज आपने इंडिया और यूएसए का मैच के बारे में मैंने सुना की आपको बहुत ज्यादा डीपली इसको मैच को देखते हैं, और मैच के क्या कहना चाहेंगे यार? छोटा भाई लग रहा हूँ यार। नहीं नहीं, आप एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं मैच को, कैसे देखते हैं इंडिया से हारने के बाद? आज जब कनाडा से पाकिस्तान जीता है कितनी खुशी हो रही है? कुफर टूटा खुदा खुदा करके यकीन जाने बड़े सुकून मिला दिल को, लेकिन ये सुकून कुछ लम्हों के लिए है। जो हमारी टीम है यार, देखिए हमारी टीम में प्लेड दो प्लेयरों की वजह से ना, सॉरी टू से अगर रियल एनालिटिक्स से ना, तो दो टीमों की वजह, दो प्लेयरों की वजह से हमने पूरी टीम पर बात कर दी है। कौन से? आपका बाबर, आपका प्लास्टिक किंग और आपका छनकने वाला एक्टर रिजवान। सीधी मैं बात कर रहा हूँ यार, आपको जो बुरा लगे लेकिन रियलिटी है यार ये। आपका उस बंदे ने, मेरी बात, आप उस बंदे ने क्या किया? आयरलैंड के खिलाफ हमें हरा दिया, स्कूल टीम न्यूजीलैंड की वो गई, यूएसए यार 2024 की टीम। और मुजम्मिल भाई आपको खड़ा कर दूं, 3 माह आपको कैप्टनसी दे के 5 दिन टीम में प्रैक्टिस करा दूं, उन लड़कों से आप यूएसए को हरा लोगे। तो ये कैप्टनसी है सर आपके भाईजान। मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि यूएसए की टीम क्वालिफाई नहीं किया था वर्ल्ड कप में, वाइड लेवल देके सिर्फ इसलिए खिलाया कि उनके उनके मुल्क के अंदर मैच हो रहा है। भाईजान अब आपको सेमीफाइनल में क्वालिफाई के लिए जब नजर आएगी ना, फिर आप सोच रहे हो कि इंडिया आएगी फिर वो आयरलैंड से हार जाएंगे? इंडिया तो हाल है कि आयरलैंड को उन्होंने छीलना है और आपकी उम्मीदों पे पानी। और आपको मैं देखिए बताऊँ, आपने भी अगला मैच हार जाना है जब वो तुक्का लगा है। और भाई आपका अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता और जो दो आपके प्लास्टिक वाले किंग है, तो आपके नीचे वाले भी बंदे एक्सपोज हो जाने थे। शदाब खान क्या है, स्पिनर बॉलर है ना, वो ही नहीं रहा, अब ही नहीं पकड़ पा रहा, वो दे ही नहीं रहे आप उसको। आपने तो उसको बैटिंग पे ले आए, शेन अफरीदी के लात देख रहे हैं। गेम है, गेम में 50-50 चांस है, या विन है या लूज है, एफर्ट की है उन्होंने, कोशिश आपने जिस टीम की एग्जांपल दी है ना, वो अक्सर सेमीफाइनल तक चले जाते हैं। हम आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, इंडिया से पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है, एक मैच के अलावा हम कोई मैच नहीं जीते, क्या वो दूसरी टीम भी ऐसे ही करती है? मैं इतना ज्यादा उस तरीके से फॉलो नहीं करता। जी जितना हम लोग प्रेशराइज कर देते ना इंडिया के मामले में, इंडिया के मामले प्रेशराइज कर देते हैं, उतना ही बर्डनाइज हुई थी हमारी टीम। ठीक है, क्यों परफॉर्मेंस निकलती ही नहीं है? जब आप उन्हें फ्री हैंड दे देंगे ना कि यार तुम जीतो या हारो हमें पता है, ठीक है, लेकिन जाने दो। उसमें ये है कि इंडिया की वाम कितनी है, 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट, वो भी तो प्रेशर डालते हैं कि भाई पाकिस्तान, या मीडिया प्रेशर डालता होगा कि भाई पाकिस्तान से नहीं हारना, तो वो क्यों नहीं प्रेशर में? उनके साथ अगर देखा जाए ना, तो उसमें अगर हमारी स्पोर्ट है, अगर 22 करोड़ की या 24 करोड़ की 26 करोड़ की स्पोर्ट है ना, तो उसमें से अगर मैं इंडिया की हाफ स्पोर्ट की बात कर दूं ना, वो 70 करोड़ बनती है। ये चीज है, मुझे ये बताइए कि कुछ लोग आज भी, जैसे मौलाना फजल रहमान ने, और बल्कि सॉरी शेख रशीद साहब की अगर बात करें, उन्होंने एक दफा पहले स्टेटमेंट दी थी जब पाकिस्तान इंडिया से जीता, उन्होंने बोला कि भाई आज इस्लाम जीत गया, हिंदू हार गए, या इसी के अभी कल वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान की टीम को हिजड़ों से भी, ट्रांसजेंडर मतलब उन्होंने, लेकिन हिजड़े बोला कि भाई हिजड़ों से भी खिला दोगे तो वो हार जाएंगे। यानी एक साइड पे हम कहते हैं अगर जीत गए तो हम कहते हैं इस्लाम जीत गया, दूसरी साइड पे हार जाए तो साथ ही हम कहते हैं हमारा सबसे बड़ा आलमी ये है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो अपर लेवल बोलो या मीडियम पॉलिटिशियन है या पब्लिक है। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट में अगर बात करते ना, बयान करेंगे, या तो हम लोग बिल्कुल पार पर चढ़ जाएंगे, या हम जमीन की गहराई में चले जाएंगे। हमारे यहाँ दरमियान वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं ये दरमियाने हैं, दरमियान वाला कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ऐसी स्टेटमेंट गेम में या स्पोर्ट्स में लानी चाहिए कि भाई ये इस्लाम जीत गया। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आपका भाई ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।